अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्राम चंद्र यूथ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स की बुक के अंदर वो यही है कि सर हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी, कौन सी ऐसी प्लानिंग और हो सकती है कि जिसको हम फॉलो करें और हमारे ईजिली फुल में से फुल मार्क्स आ जाएँ न्यूमेरिकल्स में से। तो मैं आपको टिप्स दूँगा, अगर आप लोग उनको फॉलो करते हो तो आपके ज़रूर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत नहीं होंगे, ईजिली आप लोग उनको मैनेज कर लोगे, ईजिली आप उनकी प्रिपरेशन कर लोगे। तो आप लोगों ने वीडियो को ए टू जी देखना है, फिजिक्स की आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंशाल्लाह यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करना है और फुली अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इस चीज़ की गारंटी आप लोग देते हो तो मैं भी इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके ईजिली हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो स्टेप नंबर वन क्या है, जो भी आपकी बुक है, जौन सी भी क्लास है, उसके आप लोगों क्वेश्चन देख लो और उन लोगों क्वेश्चंस पेरिंग को देखने के बाद उन लोगों क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने चूज़ कर लिए कि मैंने इनके लोगों क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों ने उनके न्यूमेरिकल्स को कर लेना है। तो उनके न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको क्या चाहिए, फार्मूला, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। फार्मूला कहाँ से आएगा, तो जब आप लोग उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ से आप डेरिवेशन करते होंगे फार्मूले की, तो आप लोगों ने वो फार्मूले सारे के सारे याद कर लें। तो स्टेप नंबर वन क्या है, जो भी चैप्टर है जिसके आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, आप लोगों ने उसके सारे के सारे फार्मूले जितने भी बनते हैं ए टू जी उनको सबको प्रिपेयर कर लेना है। तो जितने फार्मूले बनते हैं ना उनको उनके आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लेनी अच्छे तरीके से, उनको फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ना आप लोगों ने याद कर लेना है ताकि प्रॉब्लम कोई ना हो, ठीक है। स्टेप नंबर वन आपका ये है। और हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, 7-8 होंगे और फार्मूले कितने होंगे, 2 से 3, ठीक है। तो हर चैप्टर के पर यूनिट जो होते हैं ना 2 से 3 फार्मूले होते हैं, जस्ट 3 या 4, इससे ज़्यादा आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही फार्मूले अगेन जो है ना यूज़ हो रहे होते हैं हर न्यूमेरिकल के अंदर। तो पार्ट टिप नंबर वन आपको यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले वो सारे के सारे फार्मूले याद कर लेने फिंगरप्रिंट के ऊपर, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर का स्केयर, ठीक है, k इज इक्वल टू 1/2 mv² ऐसे आप लोगों ने सारे फार्मूले जो है ना उनको फिंगरप्रिंट के ऊपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर वन आपका कंप्लीट है। स्टेप नंबर टू आपका क्या है, आप लोगों ने उस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को देखना है और एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि इस चैप्टर के अंदर कितने फार्मूले यूज़ हो रहे हैं और उन फार्मूलों को भी याद कर लिया आप लोगों ने। अब अगेन सेकंड जो स्टेप नंबर टू है वो ये है कि आप लोगों ने उसको कैसे, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया उसको कैसे सोल्व करना है, तो वो आपको मैं बताने लगा हूँ। आप लोगों ने हर न्यूमेरिकल को ऐसे सोल्व करना है, तो पॉइंट पॉइंट उसका पार्ट नंबर वन क्या है, जो भी न्यूमेरिकल है अगर आपको आता है या नहीं आता, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपके हाफ मार्क्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज कैसे, कोई न्यूमेरिकल है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने लिखना है ऊपर गिवन डाटा, ठीक है, हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, नीचे लाइनें लगा लेनी उसके, जो भी डाटा दिया हुआ है वेलोसिटी इतनी है, मैस उसका इतना है, ठीक है, उसका रेडियस इतना है और जो भी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं उसका कांस्टेंट की वैल्यू ये है, सारा आप लोगों ने लिख देना डाटा खुद से वहाँ से न्यूमेरिकल के अंदर से निकाल के यहाँ लिख देना है, ये मार्कर से उसको पेन से लिख देना है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आपकी होगी टू फाइंड कि हमने क्या निकालना है, उसने वेलोसिटी पूछी होगी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, आगे आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है, क्या वेलोसिटी टू फाइंड, दैट्स इनफ। इसके बाद तीसरी आपकी हेडिंग होगी कि इसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, आपने वो फार्मूले की ऐसे हेडिंग दे के उसके नीचे लाइनें लगानी है और यहाँ पर फार्मूला लिख देना है, जो भी फार्मूला उस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होना है, ठीक है। अब फोर आ जाना यहाँ पर सोल्यूशन, तो आप लोगों ने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, ठीक है, सोल्यूशन देने के बाद उसको सारे को सॉल्व कर देना है, ठीक। अगर आप इस तरीके से अपना करोगे और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे,
इन सीक्रेट्स को फॉलो करो, कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको गाइड मैंने सारा कर दिया है, तो आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, और इजीली आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने ज़रूर इसको फॉलो करना है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप वहाँ पर अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप उस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, और उसके अंदर मैं सारा डाटा सेंड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और स्ट्रैटेजी वगैरह हर चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये जो पसीना है इसकी आप टेंशन ना लो, ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ इस ये वाली क्या कहते हैं उसको लाइट बोर्ड वाली, तो फिर ये सारा आना होता है, इस वजह से आना होता है क्योंकि दोनों डोर स्टूडियो के बंद होते हैं ताकि अंदर लाइट ना आए। इसकी स्पेसिफिक लाइट होती है और कंसेंट्रिक होती है, एक ही जगह पे आनी होती है, इस वजह से फिर वो उसकी हीटिंग ऊपर से फ़ैन बंद ताकि आवाज़ ना आए अंदर। तो ये सारा कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, और आप लोग भी सपोर्ट किया करें। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह के हैं जो कि मेरी वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ऐसे किया करो, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं जाना, आप लोगों को जस्ट क्लिक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो मुझे और ज़्यादा इनकरेज करेगा YouTube ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और बनाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे वाला कंटेंट जो है वो क्रिएट करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे सपोर्ट करना है और हर फोरम पर करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे न्यूमेरिकल्स को करना है, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली आप लोग कर सकते हो। आप लोगों ने चलाकी दिखानी, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, और थोड़ी सी तेज़ी दिखानी है, और थोड़ी सी मेहनत करनी है आप लोगों ने, इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हो। हिम्मत नहीं हार के बैठ जाना कि मुझसे नहीं होने, मैंने सारा साल नहीं किया, तो भैया कोई बात नहीं, अगर नहीं किया अब टाइम है कुछ करके दिखाने का, अब टाइम है जज्बा अंदर लेके आने का और अपने साथ कमिटमेंट करने का कि मैंने ये करना है। जब आप ऐसा कहते हो तो फिर आपका माइंडसेट जो ना वो तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लो, आप लोग बस नियत करो और हिम्मत करो, अच्छी की उम्मीद रखो, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन जब आप हार मान के बैठ गए हो कि मुझसे अब कुछ नहीं होना, मैंने सारा साल कुछ भी नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट किया, तो भैया किया है वेस्ट, हर एक को पता है, लेकिन अब टाइम है ना थोड़ी सी तेज़ी दिखाने, थोड़ी सी चलाकी दिखा के तेज़ बनने से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आते हैं, और मैं हर साल यहाँ पे स्टूडेंट्स को उनके अच्छे मार्क्स ला के दिखाता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको फॉलो करना है। तो वीडियो सारी के सारी यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसको देखो, ठीक है। किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसके ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये इजी है इनको सारे न्यूमेरिकल्स को करना, कोई मुश्किल नहीं है। आधे पौने घंटे के अंदर आप एक चैप्टर के न्यूमेरिकल कर सकते हो, एक दिन के अंदर आप जितनी भी बुक है ना आपकी उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। बस आप लोग डर जाते हो, हार मान लेते हो और प्रेशर ले लेते हो, यही चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है और अपने इमोशंस को कंट्रोल के अंदर रखना है, तो आप लोग ईजिली कर सकते हो जो जितना चाहे मर्जी मुश्किल काम हो, ठीक है। तो आप लोगों ने तीन चार चीज़ें इनको ज़रूर देखना है, न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो होना हो ईजिली हो जाती हैं, करने वाला होना चाहिए और जो समझने वाला होना चाहिए जिससे पता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करोगे। तो उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स आएँ फिज़िक्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।